हेलो गाइज आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि न्यू गूगल पे अकाउंट आप अपने मोबाइल से किस तरीके से खोल सकते हैं किस तरीके से ओपन कर सकते हैं न्यू गूगल पे अकाउंट ओपन करने के बाद आप गूगल पे अकाउंट में किस तरीके से बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद बैंक अकाउंट का यू पिन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं किस तरीके से बना सकते हैं यू पिन बनाने के बाद आप अपने गूगल पे अकाउंट से दूसरे के गूगल पे अकाउंट में या बैंक अकाउंट में किस तरीके से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा भेज सकते हैं ये सारे प्रोसेस मैं मोबाइल के स्क्रीन में जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा तो वीडियो में बने रहना वीडियो को इसकी बिल्कुल हिम्मत करना शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना तभी आपको समझ में आएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में चलते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो आखिर में एंड में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं अब आ गए हैं मोबाइल के स्क्रीन में आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे एक टाइटल लिखा हुआ है कि गूगल पे अकाउंट कैसे बनाएं 2022 जब इस टाइटल पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन होकर आ जाएगा फर्स्ट ही नंबर पे एक ऑप्शन दिया रहेगा कि गूगल पे अप्लीकेशन डाउनलोड लिंक जस्ट उसके नीचे एक हरा कलर से लिंक दिया रहेगा जब उस लिंक पर तो आप क्लिक कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर में लेके आ जाएगा अगर गूगल पे अप्लीकेशंस को इस लिंक से डाउनलोड करते हैं जब आपका गूगल पे अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको करेंटली सौ रुपये का कैशबैक मिल जाएगा इस लिंक से डाउनलोड करने पर अगर आप चाहते हैं कि कैशबैक मिले तो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको कैशबैक ना मिले तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा तो अदरवाइज अगर आप कैशबैक नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ इसी तरह आप भी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा जैसे प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा

मैंने पहले ही से इसको डाउनलोड करके रखा है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए जब आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपके सामने भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही आप डाउनलोड हो जाए ओपन का ऑप्शन आ जाए तो आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जैसे ही ओपन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे आपको लिखा है वेलकम टू गूगल पे तो आपको यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालना होगा जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है और वो मोबाइल नंबर इस मोबाइल में रहना चाहिए क्योंकि उसमें ओ आएगा तो मैं यहाँ पे फटाफट मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ जो मेरा बैंक अकाउंट के साथ लिंक है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल चुका हूं उसके बाद आपको ये सामने कंटिन्यू का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा तो यहाँ पे आपको एक ई मेल आई सेलेक्ट करना होगा जो आपके मोबाइल में है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी मेरा ई मेल है यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दिया हूँ आप इस तीर के ऊपर अगर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जितना भी ईमेल आईडी है यहाँ पर आ जाएगा आपको जो भी ईमेल आईडी अच्छा लगता है आप जोड़ना चाहते उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद आपको क्या करना होगा नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर को वेरीफाई करेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई उसके बाद इसमें एक ओ भेजा जाएगा जो ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा अगर कलेक्ट नहीं करता है तो आप अपने मैसेज में जा करके देख करके यहाँ पे अपना ओ डाल लीजिएगा जैसे ही ओ कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई यूर फ़ोन नंबर और जब ओ टी वेरीफाई हो जाएगा तो उसके आगे जो प्रोसेस हो वो मैं आपको बताता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे ओ को वेरीफाई कर लिया गया है यहां पर नीचे साइड दो ऑप्शंस रहेगा एस और नोट नो नौ। तो आपको नोट नो नौ पे क्लिक करना होगा जैसे ही नोट नो नौ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का रेफरेंस होगा और आपका गूगल पे अकाउंट ओपन हो जाएगा यह एक प्रोसेस हो गया यानी गूगल पे अकाउंट आपका ओपन हो चुका है अब गूगल पे अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे एक ऑप्शन से एडेड बैंक अकाउंट तो इस एडेड बैंक अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही एडेड बैंक अकाउंट के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जितना भी बैंक अकाउंट रहेगा उसका लोगो और नाम यहाँ पे आ जाएगा अगर यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट मिल जाता है तो सही बात है अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो ऊपर में एक सर्च का आइकन होगा उसके ऊपर आप टच कीजिएगा तो यहाँ की ओपन होकर आ जाएगा और आपका जो भी बैंक अकाउंट का नाम है यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा ऊपर में आ जाएगा लेकिन मेरा एस है तो आप यहाँ पे ऊपर ही में देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो इसके ऊपर मैं टच करता हूँ उसी तरह आपको भी टच करना होगा जैसे ही टच कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडिड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट तो उसके नीचे एक ऑप्शन है कंटिन्यू पर तो आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको एलो कर देना है फिर कुछ परमिशन मांगेगा तो आपको एलो कर देना है तो आपके सामने सेंडिंग एस एम एस यानी आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक एस एम एस भेजा जाएगा उसके बाद फैचिंग होगा और यहाँ पे देख सकते हैं आप एडिट बैंक अकाउंट यानी मेरा गूगल पे अकाउंट में बैंक अकाउंट को एड किया जा रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैंक अकाउंट गूगल पे अकाउंट में एड हो चुका है दो स्टेप कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट स्टेप में गूगल पे अकाउंट कैसे खोला जाता है और दूसरे स्टेप में गूगल पे अकाउंट में बैंक अकाउंट को किस तरीके से ऐड किया जाता है अब थ्री स्टेप आता है कि गूगल पे अकाउंट को हैंडल करने के लिए पैसा का लेन देन करने के लिए यूज़ करने के लिए एक यू पिन -पी जनरेट करनी होती है एक यू पिन -पी बनाने की जरूरत पड़ती है तो यू पिन किस तरह से क्रिएट किया जाता है उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको अपने गूगल पे अकाउंट के होम पेज पे चला जाना होगा तो चलिए मैं गूगल पे के होम पेज में चला जाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने गूगल पे अकाउंट के होम पेज पर पे आ चुका हूँ तो बाई में जो भी आपने अपने गूगल पे अकाउंट में ई मेल सेलेक्ट किए हैं उसके जो फर्स्ट ऑर्डर होगा यहां पे शो करेगा अदरवाइज अगर आपने गूगल पे अकाउंट में अपना फोटो या डी या प्रोफाइल में सेट करके रखे हैं पे शो करेगा तो उसके ऊपर आपको टच करना होगा जैसे ही टच कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा यहां पे एक ऑप्शन से बैंक अकाउंट का तो इसके ऊपर आपको टच करना होगा जैसे ही टच कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा आपने गूगल पे अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट को एड करके रखे हैं पे शो कर देगा जैसा कि मैं अपने गूगल पे अकाउंट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेट एडिट करके रखा रखाऊँ लिंक करके रखा रखाऊँ तो यहाँ पे शो कर रहा है तो आपको भी यहाँ पे शो कर देगा जो भी आपका बैंक अकाउंट है तो उसके ऊपर आपको टच करना होगा जैसे ही टच कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉरगेट यूपीआई पिन तो इसी के ऊपर आपको टच करना होगा जैसे ही टच कीजिएगा तो आपके सामने अपने ए या डेबिट कार्ड का डिटेल्स यहाँ भरना होगा जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ए कार्ड के ऊपर जो सोलह डिजिट नंबर है लास्ट का सिक्स डिजिट नंबर यहाँ पर डालना होगा और आपका ए कार्ड का जो तो भी एक्सपायर डेट होगा यहां पे आपको डालना होगा तो मैं अपना एटीएम कार्ड का डिटेल्स फटाफट डाल देता हूं जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना ए कार्ड का डिटेल्स डाल चुका हूँ उसके बाद यहाँ पर एक तीर का एरर दिखाई दे रहा होगा या आइकन दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर आपको टच करना होगा जैसे ही टच कीजिएगा तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पे एक ओ भेजा जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू यानी आप यहाँ पे आपको इंटर सिक्स डिजिट ओ जो ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा अगर ऑटोमेटिक कलेक्ट नहीं करता है तो आप अपने मैसेंजर में जा कर के ओ पी को देख लीजिएगा और यहां पे आपको डाल देना होगा जैसे ही ओटीपी डाल दीजिएगा उसके बाद नीचे साइड एक सही का आइकन होगा इसी सही के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिख के आता है रेट सिक्स डिजिट यू पिन यानी आपको बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आप सेट कर लीजिए तो यहाँ पर जो भी मैं यू पिन बनाना चाहता हूँ फटाफट डाल देता हूँ जैसे मैं यहाँ पे सिक्स डिजिट ओ डाल चुका हूँ उसके बाद आपको नीचे से सही, सही का आइकन दिखाई दे रहा होगा इसी के ऊपर आपको टच करना होगा क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कन्फर्म सिक्स डिजिट यू पिन इससे पहले जो आप बनाए हैं यहाँ पे आपको फिर से डालना होगा तो मैं फिर से फटाफट डाल देता हूँ तो मैं फिर से सिक्स डिजिट यू पी पिन डाल चुका हूं उसके बाद आपको फिर से सही के आइकन पे आपको क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन यू पी पिन यानी रजिस्टिंग यू पी पिन आपका जनरेट हो जाएगा यानी आपका गूगल पे अकाउंट का यू पी पिन क्रिएट हो जाएगा बन जाएगा अब यू पी पिन जब तक क्रिएट होता है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा गूगल पे अकाउंट का यू पिन बन चुका है अब मैं चौथा प्रोसेस जो होता है यानी अपने गूगल पे अकाउंट से दूसरे के गूगल पे अकाउंट में या बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किस तरह करते हैं पैसे किस तरह भेजते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ उसके लिए मैं आपको होमपेज में लेके चले जाता हूँ जैसे ही होम पेज पर पे आ जाइएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब किसी को भी पैसा भेजने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर एक ऑप्शन है पे फोन नंबर इसके ऊपर टच कीजिएगा तो जिस भी मोबाइल नंबर पे आप पैसा भेजना चाहते हैं वो मोबाइल यहाँ पे आपको डाल देना होगा जैसे मैं अपने भाई के मोबाइल पे पैसा एक रुपये भेज करके दिखाता हूँ तो उसका नंबर यहाँ पे डाल देता डाल दूंगा डालने के बाद यहाँ पे सर्च होगा कि उसका इस नंबर से गूगल पे अकाउंट ओपन है कि नहीं है जब तक सर्च हो जाता है तब तक यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं सर्च करने के बाद एम डी इस नंबर से गूगल पे अकाउंट ओपन करके रखा है तो उसके अकाउंट में मैं एक रुपये भेज दिखाता हूं जो, जिसको भी आपने भेजना चाहा उसका नंबर डालेगा और अगर उसने गूगल पे अकाउंट यूज करता है, अगर किया है तो उसका नाम यहां पर तो होगा, सर्च, होगा। सर्च हो जाता है तब तक मैं रुक जाता हूं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा नीचे साइड दो ऑप्शन रहेगा एक है कॉन्टेंट एक है पे तो आपको जैसे कीजिएगा तो आप उसको कितना रुपया भेजना चाहते

के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ परमिशन मांगेगा फर्स्ट आप मरतबाक्शन करेंगे तो आपको एलो कर देना है जैसे एलो कीजिएगा तो आपके सामने ओके और थे, नो थैंक्स का आएगा तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे सर्च होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको इंटर सिक्स डिजिट यूपीआई पिन यानी आप इससे पहले जो सिक्स डिजिट यूपीआई पिन बनाए हैं यहाँ पे आपको डाल देना होगा तो मैं यहाँ पे फटाफट डाल देता हूं तो मैं अपना यू पिन डाल दिया हूँ उसके बाद आपको सही के एक आइकन दिखाई देगा इस सही के आइकन पर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रोल हो रहा है सर्च हो रहा है उसके बाद कुछ ही देर के बाद यानी दो सेकेंड या तीन सेकेंड के बाद पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा पैसा उसके अकाउंट में चला जाएगा आप देख सकते हैं कि उसके अकाउंट में पैसा जा चुका है यहाँ देख सकते हैं पेमेंट टू एमडी डी कौशन ऑन रुपीज़ तो इस तरीके से आप अपने गूगल पे अकाउंट को ओपन कर सकते हैं उसमें बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बाद यू पी पिन जनरेट कर सकते हैं और दूसरे के एक गूगल अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपके भाई आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाता है तो हमारे चैनल में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना